हेलो एवरी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं मस्त हैं स्वस्थ हैं पॉजिटिव हैं अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं तो गाइस सभी का वेलकम है लवर्स टैर गाइडेंस में तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूं और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में हम ये देखने वाले हैं ठीक है तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है ठीक है एक जल्दी से एक शेयर कर दो तो चलिए स्टार्ट करते हैं करते हैं देखते हैं आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं क्या फील कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए उनका फेस विजुलाइज़ कीजिए उनका नाम ले, रह सकते नाम ले सकते हो आप लोग नाम ले सकते हो आप लोग ठीक है आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या है उनकी कैसा महसूस करते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है देखो मुझे यहाँ पर ना हार्ट दिख रहा है बना हुआ तो डेफिनेटली इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है ठीक है आपके लिए इमोशंस है फीलिंग्स है आपको लेकर ये काफी अटैच भी मुझे दिख रहे हैं ठीक है बहुत ज्यादा फीलिंग्स है पर आप दोनों के बीच में यहाँ पर दूरियां दिख रही हैं जो कि ये कन्फेस नहीं करते हैं मतलब ये ना काफी कन्फ्यूज माइंडसेट में यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि समटाइम्स तो ये ऐसा आपको दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा केयर करते हैं इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है मतलब ये आ, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वाली एनर्जी दिख रही है ठीक है और समटाइम्स आपको ऐसा दिखाते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे ठीक है ऐसा कुछ कि इनके दिल में कुछ जज्बात नहीं है कुछ प्यार नहीं है ये अजीब सा बिहेव देखते हो आप कभी तो इनका बिहेवियर अलग होता है कभी अलग होता है ठीक है ऐसा मैं देख पा रही हूं एक्सप्रेस नहीं करते हैं बताते नहीं है फील नहीं कराते हैं जैसे ये कराना चाहते हैं या जैसे ये फील करते हैं उस हिसाब से फील नहीं कराते हैं ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में बहुत कुछ है पर ये ऐसा सोचते हैं कि क्या आप करूं मैं बताकर या क्यों बताऊं मैं मैं इसके लायक नहीं हूं इनको ऐसा फील होता है क्योंकि बहुत लो सेल्फ स्टीम में मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं या तो देखो इसके काफी रीजंस है बचपन से इनको ऐसा ट्रीट किया गया है बहुत लो सेल्फ स्टीम में डाला गया यानी कि दूसरों से कंपेयर करना जैसे इनके पेरेंट्स किसी और इंसान से इनको कंपेयर करते हैं फलाने का बेटा देखो फलाने की बेटी देखो उसने कितना कुछ कर लिया है और तुम आज कुछ नहीं कर पा रहे हो या तुमने कुछ नहीं किया तुम उस हिसाब से नहीं हो उसने ऐसा कर दिया उसने टॉप कर दिया उसने गवर्नमेंट जॉब निकाल ली उसने ऐसा किया आज वो इतना सेटल है आज वो इतनी सेटल है मतलब बहुत ज्यादा कंपेरिजन मुझे दिख रहा है इनके पेरेंट्स करते हैं जिस वजह से ना बहुत सेल्फ लो सेल्फ स्टीम में है तो मतलब इनको ना बचपन से कंपेयर किया गया है तो आज ये ऐसे हो गए ना बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं बहुत भले ये शो करते हो आपके सामने मैं सामने की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा स्टर्ड है ये। कुछ भी शो करते हो पर अंदर ही अंदर ना मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि हो सकता है शो भी करते हैं क्योंकि इनको ऐसा ट्रीट किया गया है इनको ऐसा फील होता है कि हर कोई मुझे ऐसे ना देखे यानी कि आप भी इनको लो सेल्फ स्टीम में ना देखें इसीलिए ये हो सकता है कि ऐसा फील कराते हैं आपको ऐसा लगता होगा यार ये बंदा बहुत इगोस्टिक है या ये बंदी बहुत इगोस्टिक है पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये इगोस्टिक नहीं है ये ना अपनी एनर्जीज को अपने लो सेल्फ स्टीम को छुपाते हैं आपसे क्योंकि ये आपके सामने ना नीचे नहीं देख दिख सकते मतलब आप इनको ऐसे देखो क्या है यार ये तो लूजर है ये ऐसा नहीं देख सकते कि आप इनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचो क्योंकि लाइक करते हैं नहीं आपको पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली बात है क्यों इनको ऐसा सोच सोचेंगे क्यों ये ऐसा जताएंगे ठीक है ऐसा दिख रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा इनका बिहेवियर आपने देखा होगा ना समटाइम्स चेंज देखा होगा कभी तो आपको लगता होगा यार ये बंदा कितना अच्छा है या बंदी कितनी अच्छी है और समटाइम्स आपको लगा होगा यार ये क्या इंसान है ये कैसी पर्सनैलिटी है डुअल पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है मतलब कभी तो कुछ कभी कुछ आपने भी नोटिस किया होगा आई थिंक ये बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं अपने को आपसे कंपेयर करते हैं लोगों से कंपेयर करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत नीचे हैं पता है ये ना हर किसी से कंपटीशन वाला फील मुझे दिख रहा है आपसे भी कंपटीशन ये फील करता है हो सकता है आप दोनों साथ वर्क एरिया में हैं तो वहां पर कंपटीशन फील करते हैं या साथ में स्टडी वगैरह करते हो या साथ में काम करते हो वहां पर इनको कंपटीशन फील होता है आई डोंट नो वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है क्योंकि ये बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंट है इनके अंदर बहुत ज्यादा ये इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी कभी भी क्योंकि इनके अंदर ऐसा डाला गया है इसीलिए ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को सबसे बड़ी बात तो मुझे यहां पर यह दिख रही है ठीक है अपनी फीलिंग्स एक, को एक्सप्रेस नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये दिख रहा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे हो सकता है इनके कुछ पास्ट बैकेजेस ऐसे हैं क्योंकि इनको ऐसे छोड़ के गए हैं लोग मनी के कारण फाइनेंस अच्छे होने ना होने के कारण इनको इनके रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं या फिर हो सकता है इन्होंने किसी को प्रपोज किया और वहां से इनको ना मिला ठीक है तो वो चीजें इनके दिल में ना बैठ गई है तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी शायद इनको ऐसे ही ट्रीट करो जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर या तो इनका ब्रेकअप हुआ था इस वजह से या फिर इनको किसी ने मना कर दिया था तो उस उस टाइम पे ना इनको बहुत बड़ा शौक लगा था ये मतलब आ, ये इतना सीरियस हो गया ना उस चीज को क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि चलो मना किया तो किया छोड़ो कोई बात नहीं पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उनमें से है ना कि इनको इन्होंने वो दिल पर ले लिया और ये बहुत स्ट्रेस में रहे काफी टाइम तक चाहे ये रिलेशनशिप में थे भी या नहीं थे तो भी ये बहुत ऐसे में रहे हैं या फिर हो सकता है कि इन ये ऑलरेडी मैरिड है ठीक है इनकी टॉक्सिक पार्टनर है और वो इनको बहुत ब्लेम करते हैं या करता है कि तू कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तू कमा के नहीं ला सकता या मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कुछ ऐसा भी दिख रहा है डोंट नो मैं वो एनर्जी देख रही हूं ना जहां पर ये बहुत लो एनर्जी में रहते हैं ये बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट रहते हैं ठीक है इसीलिए ये आपको शो नहीं करते प्रिटेंड नहीं करते समटाइम्स क्योंकि फीलिंग्स इतनी है कि सो हो भी जाता होगा कभी होता है ना कि हम किसी के लिए अगर फील करते हैं तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं हम चाह कर या ना चाहकर एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो चीजें भी दिख रही है मुझे बट क्या है ना कि ये कोशिश ही करते हैं कि नहीं करें फील या एक्सप्रेस ना करें ठीक है इसीलिए आपके साथ इस कनेक्शन में या फिर कहेंगे कि इस रिश्ते में इतना आगे नहीं बढ़ते हैं और आपने खुद भी अगर आप इनसे बात कर पाते हो ना ये चीजें आपने खुद भी नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं एक हद तक आपने नोटिस किया होगा कि अपनी बड़ाई करना अपनी गुड़गान गाना अपना जैसा किसी को नहीं देखना अगर आप इनसे बात करते हो तो क्योंकि ये आपके सामने ना एक इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं या इम्प्रेशन आपके सामने दिखाते होंगे कि यार जो हूं मैं ही हूं क्योंकि इनको फील होता है ना कि कोई भी इनको लेकर गलत आप आप स्पेशली इनको लेकर गलत धारणाएं ना बनाओ कि ये तो कुछ भी नहीं है ये लूजर है या फिर ऐसा ना सोचो करके ये ऐसा दिखाते हैं पर आपको लेकर ना काफी ज्यादा ये फील करते हैं लेकिन मुझे बुरा भी फील हो रहा है इनके लिए कि इनके साथ ऐसा ट्रीट किया गया है या चाइल्डहुड ट्रा, ट्रामास से ये गए हैं गुजरे हैं जिस वजह से ये इस कंडीशन में आ गए हैं ठीक है थीके? पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर ना ये अगर आपके साथ कनेक्शन में भी आ जाएंगे तो आप इनको हील कर दोगे आप इनको आ, उस लाइक बना भी दोगे ऐसा नहीं है पोटेंशियल बहुत है इनके अंदर ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं पर चीजें हुई हैं अब जो पास बचपन का ना चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है ना उसको भी हील करना बहुत जरूरी होता है ये यहाँ पर हील्ड नहीं है ठीक है इसीलिए इनको ये चीजें आती रहती हैं इसीलिए ये इतना अच्छा कर भी नहीं पाते हैं काफी हद हाँ तक मेहनत बहुत करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उस हिसाब से सक्सेस इनको नहीं मिलती है ऐसा मैं देख रही हूं ठीक है पर आपको लेकर इनके अंदर फीलिंग्स डेफिनेटली है ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं शो नहीं करते हैं वो बात अलग है पर फीलिंग्स यहां पर डेफिनेटली है ठीक है बहुत ज्यादा फैमिली के बारे में सोचते हैं और बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है मुझे ये दिख रहे हैं बहुत ज्यादा फैमिली को लेकर ना कंसर्न रहते हैं और उनकी चीजें ना पूरा करने के लिए अपनी जी जान से मेहनत भी करते हैं ऐसा दिख रहा है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके सर में फैमिली की इनके पेरेंट्स की ऐसा दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है जिस वजह से इनको ऐसा लगता है यार ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेना या फिर अगर मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई मैं उसके साथ वो जो वो जो चाह, चाहेगी मुझसे या चाहेगा मुझसे मैं वो फुलफिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो तो किसी के साथ अनजस्टिस हो जाएगा या फिर आ, ये सही नहीं होगा तो इनको ऐसा फील होता है इंसान बहुत अच्छे हैं खुले दिल के मुझे दिख रहे हैं मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत रखने वाले हैं अच्छे विचारों वाले मुझे ये दिख रहे हैं समझदार ये दिख रहे हैं पर हां कहीं पर ना समझ है तो इन्हीं चीजों को लेकर क्योंकि ऐसी चीजें हुई हैं ठीक है इनके साथ इसलिए ये कनेक्शन में रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं ऐसा दिख रहा है बहुत फोकस्ड करना चाहते हैं देखो ये सोचते हैं कि पहले मैं अपने को सेटल करूं अपने करियर पे फोकस करूं एक जिस मुकाम पर ये जाना चाहते हैं ये जाएं, फिर आके कुछ सोचें ठीक है मुझे इनका ज्योटिक साइन यहां पर एरीज दिख रहा है मेस सिंह राशि लियो भी दिख रही है सैजिटेरियस धनु राशि दिख रही है यहां पर जिमनाए दिख रहा है लिब्रा दिख रहा है ठीक है कुंभ राशि भी दिख रही है एक्वेरियस कुछ ये ज्योटिक साइन मैं दिख पा रही हूं ज्यादातर निकल के आए हैं वैसे तो ये ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग होती है मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ऐसा लग रहा है इनको ऐसा लगता है ना इनको कि पंख लगे और ये उड़ जाए वो उड़ान भरे ये सक्सेस हो पाए अपने करियर में अपने फाइनेंस में और मतलब ये नाम कमाएं अपने पेरेंट्स का नाम कमाए क्योंकि इनको ऐसा लगता है इन्होंने ना नाम डुबाया ही है ये कभी नाम नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स का इनको ऐसा फील होता है ठीक है हो सकता है अपने पेरेंट्स की उम्मीदों में ये कभी खड़े नहीं उतरे इनको ऐसा फील होता है कि जैसा वो चाहते थे इनसे इन्होंने कभी वैसा नहीं किया है मतलब उतना नहीं खड़े हो खरी, खड़े हो पाए उनकी आ, उनके चीजों में तो फिर वो ये थोड़ा लो इसलिए ये थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ठीक है मैं थोड़े कार्ड्स भी लूंगी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आपको लेकर निकल के आती हैं ये तो कैंडल वैक्स की बात थी यूनिवर्सिटी वाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर और, ले और कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर और कैसा महसूस करते हैं गाइड कीजिए गाइड कीजिए यूनिवर्स यहां पर है द दाइप्रिस्टिस का कार्ड टू नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप देख रहे हो कितना ज्यादा पैशनेट है ये आपकी तरफ आप देख रहे हो आप कितने अच्छे लगते हो इन्हें आप देख रहे हो कितना सडक्टिव फील करते हैं इनको ऐसा लगता है कि अप्सरा उतर गई हो ऊपर से अगर आप फीमेल हैं तो लिटरली या फिर कहते हैं ना अगर आप मेल हो तो पर मतलब ऐसा इनको लगता है कि कितना हैंडसम है यार वो कितनी हैंडसम है या ब्यूटीफुल है ये कुछ ऐसा इनको फील होता है आपने इनकी विश फुलफिलमेंट हो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओ तो वाओ इनकी विश फुलफिल हो जाएगी आप कितने अबंडेंट हो आप कितने समझदार हो मतलब आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इनकी थिंकिंग है ठीक है अप्रिशिएट करते हैं पर हाँ आपको शो नहीं करते हो सकता है आपको ऐसा फील कराते हैं कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है ईगोस्टिक बनकर दिखाते हैं या आपको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा तो मुझे पसंद ही नहीं करता या पसंद ही नहीं करती कुछ ऐसा भी हो सकता है पर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना मेंटल ओवरलोडेड बहुत है जिस वजह से दिमाग में इतना प्रेशर है ना इनके जिस वजह से ये ऐसा फील करवा सकते हैं ठीक है नाइन नंबर फोर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है देखो अपनी सिचुएशन को अपने हालातों को अपने को बदलना चाहते हैं ये चाहते हैं आप, आपके जैसे ये बन पाए यानी कि आपको जैसा इंसान हो सकता है इनको ऐसा फील होता है आप भी तो ऐसा चाहते कि आपको ऐसा सक्सेसफुल इंसान मिले जो काफी अबंडेंट हो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग uh, हो ऐसा कुछ इनको फील होता है ठीक है पर चाहे आप चाहो ना चाहो क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हर कोई तो चाहता है ऐसा ठीक है तो ये अपने अंदर उतना काम करना चाहते हैं ताकि ये आपको सेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और सेटल हो पाए यहाँ पर द डेविल का कार्ड है फिफ्टीन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है थर्टीन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सिक्स नंबर या फोर नंबर ठीक है मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा ऑप्सिस्ट होता है आपको लेकर अगर आप किसी से बात करते हो इवन ऐसा दिख रहा है कि इवन आप अगर अपने घर वालों से भी बहुत एक्सेस पे बात करते हो या अपने भाई से कजिन से भी बात करते हो अगर आप फीमेल हैं अगर आप मेल हैं अपनी कजिन से भी बात कर रहे हो ना ये बहुत ज्यादा ऑप्सिस्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा पसेसिव एनर्जी है इनकी बहुत ज्यादा पसीजित दिख रहा है ठीक है तो मुझे यहां पर दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी ठीक है इसीलिए अपनी दिल अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं और आपको आपकी भी बातें सुनना चाहते हैं ये चाहते हैं एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन uh, आपके साथ ठीक है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके साथ यहाँ पर रेट ऑफ बॉन्स का कार्ड है इनफेक्चुएशन ऑप्सेस्ट आपके लिए फील करते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है इनका जो डिकसाइन ठीक है बहुत ज्यादा इनफेक्चुएशन ये फील करते हैं ऑप्सेस्ट है आपको लेकर ऐसा लगता है ना इनको का एक टाइम ऐसा हो जहां पर आप दोनों टाइम स्पेंड कर पाओ कास इतना खूबसूरत मतलब मूवमेंट हो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा मतलब फैंटेसाइज बहुत ज्यादा करते हैं आपको लेकर कि आप लोग एक जगह पर हो डिनर कर रहे हो या आप दोनों एक टाइम स्पेंड कर रहे हो आप देख रहे हो यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर कुछ ऐसा ये फील करते हैं ठीक है मतलब आपको लेकर काफी ऑप्स मुझे यहाँ पर ये यह दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये बताएंगे अपने दिल की बात को कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे पर उसके लिए ऐसा दिख रहा है कि जब इनका करियर इतना स्ट्रांग होगा तब जाके ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे ठीक है तो या ये कुछ एनर्जीज दिख रही है मुझे गाइस आपके क्रश की तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को के बाय थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर गाइस